उधमपुर के नेता मुंबई उत्तर पश्चिम से पार्टी के उम्मीदवार हैं अमोल कीर्तिकर। ईडी ने पूछताछ उनसे की है। अमोल कीर्तिकर पर खिचड़ी घोटाले के आरोप हैं। अमोल से जांच एजेंसी ने करीब 7 घंटे तक सवाल दागे। अब इसी बीच अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी चोर बुलाने वाले संजय निरुपम ने संजय राउत को खिचड़ी घोटाले का सरगना बताया है। उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उनके समर्थक भी साथ आए और जांच एजेंसी के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। ईडी ऑफिस के भीतर जाते वक्त आज तक के सवाल पर उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू के एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है। आपको बेनिफिशियरी बता रहे हैं, एलिगेशन लगाया था आपको 1 करोड़ 65 लाख ईओडब्ल्यू के एफआईआर में, वो बताए ईओडब्ल्यू के एफआईआर में मेरा नाम ही नहीं है। अमोल कीर्तिकर पर कोविड के दौरान खिचड़ी तैयार करने वाली कंपनी से 1 करोड़ 65 लाख रुपए घूस लेने का आरोप है। इसी घोटाले में ईडी ने जनवरी में सूरज चव्हाण को गिरफ्तार किया था। शिवसेना उद्धव गट के नेता और मुंबई से उत्तर पश्चिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 घंटे पूछताछ की। ये पूछताछ की गई कोविड खिचड़ी स्कैम केस में। आपको बता दें इससे पहले भी इसी केस में उद्धव गुट के नेता सूरज चव्हाण को जनवरी में ईडी ने अरेस्ट किया था। चार्जशीट भी किया गया है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी अटैच की गई है। दोनों के ऊपर यही आरोप है कि दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्टर से कुछ किकबैक लिया या उनके अकाउंट में जो खिचड़ी बांटने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके द्वारा पैसे आए। सूरज चव्हाण को करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए आए थे और अमोल कीर्तिकर पर यह आरोप है कि उन्हें 1 करोड़ 65 लाख रुपए आए हैं। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने सबसे पहले खिचड़ी घोटाले के आरोप को जांच एजेंसियों के दफ्तर तक पहुंचाया था। उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की थी। इसी केस में संजय राउत के भाई संदीप राउत से भी पूछताछ हो चुकी है। अब अमोल कीर्तिकर से भी 7 घंटे सवाल हुए। हालांकि जांच एजेंसी ने उन्हें अभी दोबारा नहीं बुलाया। जो भी पूछा गया मैंने उनका जवाब दिया और पेपर मैंने सबमिट किए, उनका समाधान हो गया। अगली बार अभी तक बुलाया नहीं, अगर बुलाएंगे तो मैं वापिस जाऊंगा। सर पूछताछ में क्या क्या पूछा गया है? वो अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि इंक्वायरी पेंडिंग है, तो मैं अभी बता नहीं सकता। अमोल कीर्तिकर को उद्धव गुट ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। उनकी उम्मीदवारी के बाद से संजय निरुपम लगातार उन्हें खिचड़ी चोर बता रहे हैं और उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अब संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को घोटाले का सरगना बता दिया। जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी उसमें घोटाला कर रहे थे और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज ईडी वाले जो छानबीन कर रहे हैं उस छानबीन का जो पूरा एम्बिट है उसको थोड़ा फैलाएं और यहां के उम्मीदवार के साथ साथ सहयाद्री रिफ्रेशमेंट ने जो घोटाले किए हैं उस घोटाले के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि मुख्य सूत्रधार मेन किंगपिन वही है इस घोटाले के। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी संजय निरुपम के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। जब कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम जी को पार्टी से निकाल दिया तो उन्होंने जानबूझकर हमारी पार्टी की छवि खराब करने का एक प्रकार से सुपारी उठा लिया है। टिकट के लिए भटक रहे हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जिसके पास जाकर टिकट की दरकार नहीं कर रहे हैं। जब कुछ सुझ नहीं रहा तो शिवसेना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। खिचड़ी घोटाले पर जांच अपनी जगह है लेकिन चुनाव का वक्त है, लिहाजा सियासी खिचड़ी जरूर पकेगी। दिव्येशु सिंह, मुंबई आज तक।